चलिए इस वीडियो में हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग करना सीखेंगे, उसका कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं होते। इसमें एक कंप्रेसर लगा होता है और एक रिले लगी होती है जो कि अलग अलग प्रकार की होती है। ओपन टाइप रिले होती है, बॉक्स टाइप रिले होती है, PTC रिले होती है, LMS रिले होती है, अलग अलग रिले होती है। लेकिन जो रिले लगी होती है वो एक ही लगी होती है और एक OLP लगी होती है जिसका पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, और एक थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है, और एक डोर स्विच, और एक बल्ब, और एक 3-पिन प्लग जिससे सप्लाई सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर तक आती है, पूरे सिस्टम में जाती है। चलिए तो इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो 3-पिन प्लग है उससे 3 वायर आए होंगे, इसमें एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थ का वायर होगा। न्यूट्रल के वायर को हम 3-पिन प्लग से लेके जाते हैं और रिले का जो पोल पॉइंट होता है जिसमें सप्लाई को इन करवाया जाता है उसमें दे देते हैं। और रिले में 2 छिद्र बने होते हैं और कंप्रेसर में 2 स्टार्टिंग और रनिंग वाली पिने होती है जिसमें रिले के दोनों छिद्रों को खोंच देते हैं, अर्थात रिले को उसमें लगा देते हैं। इस प्रकार रनिंग और स्टार्टिंग में रिले के माध्यम से सप्लाई जाती है। और इसी न्यूट्रल को हम बल्ब को देते हैं। यह तो हमारी न्यूट्रल की कंप्लीट वायरिंग हो गई। अब हमें फेज की वायरिंग करना होता है। तो हम फेज के वायर को लेके जाते हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में लगे थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट में फेज का वायर जोड़ देते हैं और उसी से हम एक वायर लेके डोर स्विच में जोड़ देते हैं और डोर स्विच से आउट करवा कर बल्ब तक में जोड़ देते हैं, बल्ब में जोड़ देते हैं। इस प्रकार बल्ब तक जब हम डोर स्विच को प्रेस करते हैं तो फेज की सप्लाई भी आने लगेगी और न्यूट्रल की सप्लाई जो कि आई हुई है, इस प्रकार बल्ब जलने लगेगा। जब डोर स्विच को प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई को आउट नहीं करता, अर्थात जब दरवाज़ा बंद रहता है तो ये डोर स्विच दबा हुआ रहता है, इसलिए सप्लाई को आउट नहीं करता और ये बल्ब बंद रहता है। और जैसे ही हम फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो ये डोर स्विच ऑन हो जाता है और सप्लाई को आउट करने लगता है, इस प्रकार ये बल्ब जलने लगता है। इस प्रकार बल्ब की वायरिंग तो हुई, ये जलने लगा। अब जो थर्मोस्टेट का दूसरा वाला पॉइंट है उससे आउट करवा कर OLP के एक पॉइंट में दे देते हैं। OLP का आउट करवा कर कॉमन वाले टर्मिनल में दे देते हैं। अब जैसे ही थर्मोस्टेट स्विच सप्लाई को आउट करेगा तो सप्लाई इस OLP तक पहुंचेगी और OLP आउट करेगा तो इस कंप्रेसर तक पहुंचेगी। इस प्रकार न्यूट्रल की सप्लाई यहां से गई हुई है जो कि स्टार्टिंग और रनिंग में गई हुई है, कॉमन में जो कि फेज की सप्लाई थर्मोस्टेट के आउट करने पर आई हुई है। इस प्रकार न्यूट्रल और फेज की सप्लाई मिलने पर ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और गैस का संचार करने लगेगा और फ्रिज ठंडा करने लगेगी, अर्थात फ्रिज ऑन हो जाएगी। अब जो अर्थ का कनेक्शन किया जाता है वो सेफ्टी के नज़रिए से किया जाता है क्योंकि ये बॉडी अर्थ का काम करता है। लीकेज करंट होने पर यह सेफ्टी प्रदान करता है, अर्थात लीकेज करंट को ग्राउंड करने का कार्य करता है। यदि कहीं झटका लगता है तो झटका लगने से बचाता है, इसलिए इसको कंप्रेसर की बॉडी से जोड़ देते हैं जो कि बॉडी अर्थ का काम करता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस आधार पर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग कर सकते हैं।